कितनी सख्ती की जा रही है और कितनी नरमी, सबसे ज्यादा जोर किस चीज पर दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन कार्ड पर या गाड़ी के पेपर पे? आइए जानते हैं। ये बताएं जो लॉकडाउन लगाया गया है हुकूमत की जानिब से, उस पर आपको क्या लगता है कि इस पे कोई ऐसे चीज पर अमल किया जा रहा है या नहीं आवाम की जानिब से? मैडम मैं तो यही कहना चाहूंगा आवाम को, हम तो हाथ जोड़ जोड़ के थक गए हैं कि आपको SOPs पे अमल करना इंतहाई जरूरी है। मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस होगा कि मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने, मतलब हमारी टीम थी पूरी ऑल ओवरली डॉक्टर सईद के साथ, डॉक्टर शोभा के साथ, मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से हूँ, तो कोविड का जब स्पाइक की बात हुई थी मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने पहले कुछ दिन सिर्फ रात में वार्ड, खाली वार्ड के अंदर इंतज़ार किया था कि कोविड की कोई ऐसा मसला होने वाला है। और इसकी जो फर्स्ट फैमिली थी याया की फैमिली, उसको ट्रीट करने वाले हम लोग हैं, तो हम लोग तो उसी टाइम से ये आवाम तक ये मैसेज देते रहे कि भाई ये SOPs पे अमल करना ज़रूरी है, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। मल्टीपल टाइम जो है लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि ये है, लेकिन नहीं हुआ। आज उसका हालात यहाँ तक पहुँच गया, और अगर अभी भी इन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ना दिया तो इन फ्यूचर क्या होगा, इन पता नहीं क्यों इस पे ध्यान नहीं दे रहे, डर लग रहा है कि इन फ्यूचर होने क्या वाला है ये। मैडम जब लोग कोरोना से नहीं डरे तो फिर डेल्टा से क्या डरेंगे? इवन के अक्सर तमाम मजहबी जमातें कहा जाते हैं ये अल्लाह का अजाब है, जब इनको ये पता चल गया कि ये अल्लाह का अजाब है उसके बाद नहीं डरते तो फिर कब डरेंगे? आई डोंट नो कि मैं इसके बारे में कोई कमेंट इस तरह से नहीं करना चाहूँगा कि अगर ये अल्फाज सुनने के बावजूद कि अल्लाह का अजाब है इससे डरो तो फिर भी नहीं डर रहे तो फिर पता नहीं कब डरेंगे। ये हम उसको रोकते हैं जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसके अलावा जिसके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, फिर उसको जो छोटा सा फाइन दे देते हैं हालात के हिसाब से। जिस तरह आवाम के ऊपर आज आजकल हालात चल रहे हैं कि रोज़ी रोज़गार तो है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, वैसे ही आवाम परेशान है, तो सोच समझ के चालान देते हैं ताकि जो है उसके ऊपर कोई बोझ ना आ जाए, परेशान ना हो जाए। फिलहाल हमें हुक्म नहीं मिला है, और जो है अपना दूसरी फोर्सेज चेक कर रही है। कैमरा मैन शामिल के साथ फजीला सवाले, वीओके न्यूज़ कराची।